Hello, hello, check. Baccia vaya yo yo. Your boy Badsha. Hey, Saloni. Open Lorani. Oh. Open Lorani. Kaho to bhi jaan de. ये बहुत यूनिक वॉइस है। मेरी वॉइस को बोला जाता है कि इसकी तो मर्द की आवाज है। उन्होंने कभी सुना नहीं अबिदा परवीन जी को, उषा उथप जी को? जमाना गधा है। इंडियन आइडल 26 अक्टूबर से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी सोच और अंतर्मन की दुनिया अक्सर हमारी असल जिंदगी से अलग होती है। कई बार तो हमारे सपने और हमारी इच्छाएं इतनी बहुमुखी होती है कि हम एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी रहे होते हैं। हर जिंदगी का अपना एक कद, अपनी एक सीमा होती है। औरतों के अलग संघर्ष होते हैं, पुरुषों की अलग चुनौतियां होती हैं। लेकिन ना कोई पुरुष औरत की और ना कोई औरत पुरुष की जिंदगी जी सकती है। लेकिन इस केस की व्यथा आपको इस तरह हिला देगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या किसी की जिंदगी का स्वरूप इतना विकराल भी हो सकता है। ये बिस्तर की सिलवटें, ये टूटी चूड़ी के टुकड़े, ये चप्पल, ये पायल, वो कमरे की खिड़की, खिड़की से आने वाले तूफान का शोर, और शोर के बीच है मौत की गहरी खामोशी। लेकिन मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूं। तुम्हें ओढ़ लेता हूं तो जिंदा हो जाता हूं। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैंने कई नाकू चने चबा देने वाले केसेस सॉल्व किए। मेरे काम करने के तरीके, मेरी बहादुरी के लिए मुझे बहुत से मेडल भी मिले। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे पुलिस ऑफिसर को भी सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। ये केस भी बिल्कुल वैसा ही था। इस केस की खोई हुई कड़ियों को जोड़ते वक्त कई बार मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या मैं इस केस की गुत्थी को सुलझा पाऊंगा। एक्चुअली ये केस अपने आप में इतना विचित्र था कि इस केस को केस स्टडी बनाकर पुलिस अकेडमी के करिकुलम में जोड़ दिया गया। आई वुड से ये केस मेरे करियर के वन ऑफ द टफेस्ट केसेस में से एक था। ये सब क्या है? अरे जेंडर नहीं बदला है, सिर्फ लुक बदला है। पर आप होश में तो हैं? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी आके बात करता हूँ। पर आप ऐसे ही ऑफिस जाएंगे क्या? सुनिए सुनिए। पूजा, ये कौन था? वो आपके देवर ही थे। संचित भैया, आप ऐसे? संचित भैया, पहले गन्नू गुजरा और अब संचित ऐसा बर्ताव कर रहा है। ये अचानक से हो क्या रहा है ये सब?
माँ जी, मैंने संचित जी को पहले भी हमारे कमरे में बिंदी लगाते हुए देखा था, पर इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। मुझे तो लगता है संचित भैया में कोई गन्नू की आत्मा तो नहीं है। लतिका, क्या कुछ भी बोले जा रही है? हाँ देखो, अगर कोई आत्मा का चक्कर वक्कर भी है तो गन्नू की आत्मा उसे लड़की क्यों बनाएगी? मुझे तो ना ये कोई मेंटल डिसऑर्डर लग रहा है। सरिता, वो त्रिदेव इंटरप्राइज की रिपोर्ट सबमिट करनी थी तुम्हें, कितना टाइम लगेगा? वो फाइल तो मैंने संचित को दी थी मैडम, लेकिन आप कौन है जो मुझसे ये सब पूछ रही है? मजाक बंद करो सरिता। मजाक तुम कर रहे हो, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है जो ये रिहर्सल चल रही है? साड़ी चाहिए तो मैं दूं? दुपट्टा 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 ये देखे दूर। पापा कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा है उसने? वो हमारा पड़ोसी गोविंद अभी आते हुए मेरी टांग खींच रहा था, बोला तुम्हारी एक और बहन है क्या जो संचित जैसी दिखती है? पापा इस तरह मुंह लटका के कुछ। ये लीजिए, आ गई आपकी सुपुत्री, उतारिए इसकी आरती। अब संचित, तो अपने साथ हमारा क्यों मजाक उड़वा रहा है? ये जो भी कुछ हो रहा है ना पापा, इसके जिम्मेदार आप। मेरी वजह से? कहना क्या चाहता है तू? आपको नहीं पता मैं क्या? पापा इसके ना होश उड़ गए। ये क्या, ये हटाई तो सकते और समझ जा वरना अच्छा नहीं होगा। देख भैया, मैं ना अपने पूरे होश में, और मैं जैसा भी हूँ ना, मैं जैसा भी हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। संचित, लतिका तुझे मजाक लग रहा है? लतिका, लतिका क्या कर रही है तुम? लतिका, लतिका एक साल की अवधि और एक परिवार के दो सदस्यों की मौत, ये फहरिश्त बड़ी तेजी से 2 से 3 और फिर 4, 5, 6, 7 का क्रम लेकर ना जाने कितनों को निगलने वाली थी, जो पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती बनने वाला था जिनकी उन्हें फिलहाल भनक तक नहीं हुई थी। और इस केस के केंद्र पे था संचित। आखिर क्या वजह थी जो वो एक औरत का भेष धारण करके अपना मजाक उड़वा रहा था? पर संचित हमेशा से ऐसा नहीं था, उसके जीवन का एक और परिवेश भी था। यार एक तो कानपुर का ट्रैफिक इतना हो गया ना, सांस लेना मुश्किल कर रखा है। एक्सक्यूज मी, ऐसी कैसी चेप हो रहे हो? क्या मैं आपको जानती हूँ? सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया, बट मैंने ट्राई किया था आने की। नहीं नहीं, बात सुन, मेरी बात सुन, एक मिनट बैठ। गुस्सा क्यों करती हो यार? तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये गिफ्ट देकर तुम मुझे मना लोगे? देखो मना भी लूंगा और शादी भी कर लूंगा, और शादी के बाद हो सकता है हमारे 1, 2, 3, 4 बच्चे हो फिर। अच्छा, मतलब मुझे बेब से बहन जी बनाने की प्लानिंग है। मैं पहले ही बता देती हूँ, शादी के बाद ना मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली, और ये साड़ी वाड़ी मंगलसूत्र वूत्र ये सब भी नहीं पहनने वाली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पक्का पक्का। आपको कुछ बोलने का फायदा तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ पूजा,
ये सब करके मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ ना, पर मैं मजबूर हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? मैं आपकी वाइफ हूँ, एटलीस्ट आप मुझे तो बता ही सकते हैं ना। एक सपना देखा था मैंने। कैसा सपना? बहुत बुरा सपना। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा, अपने खेतों में आग लग गई। क्या? हाँ पापा, सारी की सारी फसल जल के राख हो गई। हे भगवान, कौन से जन्म का बदला ले रहा है? नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। पापा, जब घर का मर्द ही अपने हाथों में चूड़ियां पहन के रहेगा तो पनौती तो लगेगी ना। जब भी मेरा नए थाने में ट्रांसफर होता है तो पेंडिंग केसों की फाइलों का एक बड़ा सा पुलिंदा मिलता है। इस थाने में मुझे कोई भी पेंडिंग केस नहीं। क्या हुआ कुमार, राइट क्यों ले लिया? सर, उस रास्ते से जाना ठीक नहीं, कहते हैं वहाँ चुड़ैल का साया। ये क्या बकवास कर रहा है? सर, दरअसल बात यह है कि इस इलाके में पिछले कई दिनों में कई मौतें हुई, और सर एक परिवार के तो दो मेंबर्स की एक के बाद एक मौत हुई। नेचुरल डेथ या फिर मर्डर केस? पहली मौत की तो कोई रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन सर जब दूसरी मौत हुई तो हमें थाने में एक अज्ञात आदमी का फोन आया था। उसने कहा कि एक लड़की का मर्डर हुआ। हेलो, एक मिनट रुकिए आप लोग। आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग अभी लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। क्या सर, ऐसा क्यों कह रहे सर आप? देखिए, पहले लाश का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। पोस्टमार्टम? देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि लतिका का मर्डर हुआ है। नहीं सर, किसी ने आपके कान भरे हैं। सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर, मेरी बहन की नेचुरल मौत हुई है। सर, आप हमें अंतिम संस्कार करेंगे? पहले ही बहुत देर। देखिए, आप लोग हमारी बात। ये कौन है? सर, ये मेरा छोटा भाई है, संचित। सर, उस घर में सब कुछ है। लतिका का भाई संचित काफी लंबे टाइम से औरत के भेष में रहा। लतिका का पोस्टमार्टम हुआ था? जी सर, लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया था कि उसकी सडन डेथ हार्ट अटैक के कारण है, जिस वजह से यहाँ पे अफवाह फैल गई कि उसने किसी चुड़ैल को देखा होगा। व्हाट नॉनसेंस। अच्छा, लतिका के भाई के बारे में क्या बता रहे थे तुम? ये औरतों के भेष में रहता है। क्या है सर, क्या पहना है? मैं नहीं जानता तुम ये सब क्यों कर रहे हो और क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हो, पर तुम्हारी वजह से मेरे ऑफिस का माहौल बिगड़ रहा है। सर, ये मेरी मजबूरी है। आप ही बताइए सर, आपने मेरे काम में कभी कोई कमी देखी है? सर, मेरा पहनावा मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन सर मैंने इस ऑफिस में हमेशा दिल लगाकर काम किया है। इसीलिए मैंने तुम्हारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए तुम्हें 15 दिन का टाइम और दिया है, ताकि तुम पहले की तरह नॉर्मल होकर के ऑफिस में आ सको, और अगर नहीं आ पाए ना तो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। जी सर। फोन क्यों उठा रही हूँ? मेरा तो मेरे घर में कुछ हो गई। मम्मी का यार, ऐसे नाराज नहीं होते छोटी छोटी बात पर। अब अगर शादी के बाद भी तुम ऐसे नखरे करोगी तो मेरे तो दिमाग की दही हो जाएगी। बड़ा नाजुक दिल है मेरा, इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा। मेरे नखरे नहीं झेल सकते शादी के बाद बिना जॉब के मेरे खर्चे झेल लोगे? अरे जॉब क्या, मैं ऐसा बिजनेस शुरू करने वाला ना, तुम्हारे इस घर से बड़ा बंगला होगा हमारा। सच्ची? और नहीं तो क्या। अनामिका, नमस्ते चाची, ठीक हो? मेरी खबर मत ले, पहले तू अपनी खबर दे। एक हफ्ते की छुट्टी मांग के गई थी तू, एक महीने के बाद आ रही है तू। देखो चाची जी, बुरा मत मानना, लेकिन जब से सुना
लतिका दीदी ने चुड़ैल देखी थी तब से डर सा बैठ गया था, लेकिन अब पेट तो पालना ही है इसीलिए आ गई। अच्छा वो आपको याद है ना मेरी तनख्वाह भी बकाया है, हैं? हाँ 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 याद है मुझे, जा मेरा पूजा घर साफ कर दे पहले। ठीक। अरे जया तुम आ गई। हाँ दीदी, वो कीर्ति भाभी नहीं दिखाई दे रही, बाहर गई है वो, तू अपना काम कर। दिव्यांशु, अरे छोड़ो ना। छोड़ के तो तू चली गई मुझे, और मुझे छोड़ के कौशिक को पकड़ लिया तूने। दिव्यांशु बात समझने की कोशिश करो, भैया पर बहुत बड़ा कर्जा था उस परिवार का, इसलिए मुझे उसके पल्ले बांध दिया, लेकिन तुमसे वफा अभी तक निभा रही हूँ ना, कौशिक को छूने तक नहीं देती। अच्छा। अरे यहाँ इतना खून कैसे भाई, फिर से कोई मौत हुई क्या? अरे हाँ भाई हाँ, यहाँ पे मेरा मुर्गा मरा हुआ मिला है। हाँ? मतलब वो चुड़ैल जानवरों को भी नहीं बख्श रही? अरे हर दिन इस घर में कुछ ना कुछ कांड होता रहता है, पता नहीं ये चुड़ैल किस किस को मारेगी। हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? अरे वो कोई और चुड़ैल नहीं, इसी का बेटा है। ए, बहुत हो गया तुम लोगों का, सारे इलाके में दहशत फैला रखी है, निकलो वरना यहाँ से। तू हमें हमारे घर से निकालेगा? अरे मैं तुम सब पर तेल निकाल दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मुर्गा खोया है मैंने, मुर्गा छोड़ूंगा नहीं ये, और इससे पहले कि ये किसी और को मार डाले। ए, चल निकल, चल भाग जा यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी, बेटे बेटी तक पहुंचा दूंगा। ठीक है जो कटा कर लेना, निकल देख लूंगा ये किसको। हाँ देख लेना। देख रहा है क्या माहौल बन गया तेरी वजह से? पापा मेरी वजह से बचे हैं सब लोग, वरना सबके सब मर जाते। क्या क्या मकान कौशिक साला, तू अपने आप को समझता क्या है? पापा जी आज इसका भूत मैं निकालूंगा। बस बस बहुत हो लीन ममता, कौशिक रस्सी लेके आप बांध इसको। कौशिक ना ये बाहर जाएगा ना ये तमाशा होगा। बैठ जाओ चुपचाप, भैया को समझाओ। पापा भैया अब तेरे सर से भूत उतरेगा तभी तुझे खोलेंगे। निकाल इसका सब ये सजने समरने का सामान, निकाल उतार। भैया भैया मत, बैठा रहने दो इसको यहीं पे। चलो सब। पापा नहीं, पापा प्लीज, पापा बात सुनो मेरी, कुछ गलत हो जाएगा। यहीं बैठा रहना प्लीज भैया। चलो सब, चलो पापा प्लीज पापा। कोई कोई इसको नहीं हाथ लगाएगा। अरे उस मोहल्ले की रोज की कहानी है, अगर कोई खून खराबा नहीं हुआ तो जाने दे, वैसे भी वहां का रोज का काम है ये। क्या हुआ आनंद? कुछ नहीं सर, वो कांस्टेबल शाम पेट्रोलिंग के साथ, उसे पता चला कि उस मोहल्ले में एक मुर्गा मर गया चुड़ैल के प्रकोप। मोहल्ले वाले आलोक के बेटे को चुड़ैल बता रहे। जब से मुझे इस केस के बारे में पता चला है तब से अजीब लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो इस अंधविश्वास के चलते कोई बड़ा कांड हो जाए और बात डिपार्टमेंट पे आ जाए। इस केस को बिल्कुल लाइटली मत लो, जाके पता करो कि मुर्गा ही मरा है बात कुछ और है। Okay. और तब तक लतिका के केस की फाइल दो मुझे। जी सर। कौन है? कौन है? प्लीज प्लीज मेरे घर वालों को मत मारना प्लीज। जो तुम बोलेंगे वो करूंगा मैं। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो प्लीज, कुछ मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। जो दवाई लिखी है वो आप दे दीजिए, मैं चलता हूँ। तुझे कौन ऐसा खरोच के चला गया? वही वो आत्मा है बाहू। जया क्या कर रही तू यहाँ पे? वो मैं पानी देने आई थी। रख यहाँ पे और रास्ते की छुट्टी, कल आना, जा जल्दी।
सबको मार देगी माँ, उसने गन्नू को मारा है, उसी ने लतिका को मारा है माँ, वो माँ सबको मार देगी, सबको मार देगी। ओ मैडम कहाँ, नजरें चुरा के भाग रही हो मुझसे? अब मुझसे क्या फायदा है तुझे, वो लतिका तो ऊपर पहुंच गई ना, अब आगे कोई काम नहीं करने वाली मैं तेरा। सुन तुझसे कुछ करवाना भी नहीं है ठीक है, मेरे पैसे निकाल। कौन सा पैसा, चल हट। ओ मेरे पैसे दे, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तेरे को। हाँ चलिए सोने की चैन निकाल, कानों की भी निकाल। मैंने लतिका की केस फाइल पढ़ी, जिस रात लतिका की मौत हुई थी उसके अगले दिन से ही घर की मेड जया ने काम पे आना बंद कर दिया। जी हाँ सर, फैमिली ने बताया था कि वो छुट्टी लेकर गांव गई थी, मैंने जया से फोन पे बात की थी, उसने कंफर्म किया कि वो छुट्टी लेकर ही गांव गई थी, वो गायब नहीं हुई थी। फिर लतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किसी पे शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। कोई चुड़ैल देख के हार्ट अटैक से मर जाए, ये कहानी अटपटी लग रही है मुझे। सर मैंने मोहल्ले में पूछताछ की है सर, वहाँ पे मुर्गा ही मरा था, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोग आलोक के परिवार को वहाँ से निकालने की बात करने लगे सर, वो लोग आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। ठीक, प्रणाम करता हूँ भैया, देखकर अच्छा लगा अभी तक जिंदा है आप। तो क्या समझे, तूने ही मेरे बेटा बेटी को मारा है ना, तो साबित करके दिखाई। देख मेरा सगा भाई है इसीलिए चुप बैठा हूँ, वरना तो बड़े भाई होने का फर्ज निभाइए ना, दे दीजिए मुझे जो चाहिए। बड़ा भाई होने का फर्ज निभाऊं, ये ले। अब भी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, चुप, चाप की मार चलेंगे। अपनी बांध जाइए वरना बहुत खून बहेगा। साहब आप लोग भी कुछ कीजिए, वो चुड़ैल और कोई नहीं आलोक का बेटा संचित ही है। क्यों भाई लोग? हाँ एकदम सही बात है सर। देखिए ये बात सही है कि वो औरतों के बेश में रहता है, पर आप लोगों ने कभी उसको किसी को मारते हुए देखा है या कुछ ऐसा करते हुए देखा है जो गैर कानूनी है? साहब वो जो भी करता है रात में ही करता है, सारे इलाके में लोग बाग डरे हुए हैं, आप उन पे सख्ती बरतिए। देखिए अभी आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं देखता हूँ। ठीक है साहब। पापा पानी लीजिए। पापा किसने किया ये? पापा आप बता क्यों नहीं रहे, किसने किया ये? शुक्र मनाओ कि जान बच गई, उस आत्मा को कंट्रोल कर लिया मैंने। तू अपनी बकवास बंद कर कौशिक, किसको ले जा किसी दिमाग के डॉक्टर के पास। पापा बात मानो मेरी। सर इस बच्चे का थोड़ा दिमाग खिसक गया और कोई बात नहीं है, आप भी सर मोहल्ले वालों की बातें सुनकर के भूत चुड़ैल पे विश्वास कर रहे हैं? देखिए मैं तो इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है पापी, 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 सर देखिए ना, देखिए पापी को क्या हो गया, पापी। वर्मा बाहर रुको सबको, रुक रुक पीछे रहिए, शांति, क्या हुआ? देखिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए, और पहले ये बताइए कि आपकी माथे को चोट कैसे लगी, क्या हमारे आने से पहले या किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था? कोई झगड़ा नहीं, मेरी बीवी है सर। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते अभी, संभालिए इनको। बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, लेकिन परिवार में तीसरी मौत है, जो भूल लतिका के केस में हुई वो इस केस में नहीं होनी चाहिए। तो सर आप मान रहे हैं कि ये मर्डर है? हमारे यहाँ रहते हुए लाश मिली, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। पापा, पापा। नहीं सर, मैं भी पहले किसी भूत पे भरोसा नहीं करता था, आई एम वेल एजुकेटेड मैन, आई हैव डन एमबीए, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुमने इस तरह से जनाना भेष में रहना शुरू कर दिया? सर ये सब मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए किया, ताकि उन्हें कोई आंच ना आए। फिर भी माँ तो चली गई तुम्हारी, ये उपाय उपाय कैसे सोचा तुम्हें, किसी तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में? कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है सर,
आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैं सिर्फ अपने घर वालों को बचाना चाहता था सर। सर एक घंटा पहले तो सब कुछ ठीक था, मम्मी पूजा करने बैठी थी और फिर अचानक ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आपके घर में जो मेड काम करती है वो कहाँ है? जया सर जब मम्मी पूजा करने बैठी थी जया तो तभी चली गई थी। सर मैंने जया के सीडीआर निकाले तो उसमें राजन नाम के लड़के का नंबर मिला, और सरप्राइजिंग बात यह है कि मैंने पहले जब लतिका के सीडीआर निकाले थे तो उसमें भी इसी राजन का नंबर मिला था। है कौन ये राजन? ये लतिका का कॉलेज का दोस्त है सर। लतिका की मौत के वक्त मैंने इससे भी इंक्वायरी की थी। लतिका की मौत से पहले आखिरी बात तुम्हारी हुई थी ना लतिका के साथ? हाँ सर। इसने कहा था कि लतिका के साथ इसका अफेयर चल रहा है, लेकिन सर लतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का फाउल प्ले तो मिला ही नहीं था। लेकिन लतिका के घर की मेल लतिका के बॉयफ्रेंड के टच में क्यों थी? इन सब सवालों को जोड़ने की कोशिश नहीं की तुमने? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहे कुछ भी थी पर इन सवालों को कैसे नजरअंदाज कर गए? लाओ जया को और राजन को भी। अरे अभी अभी मां जी की मौत हुई है और तुम कह रहे हो कि तुमसे मिलने आ जाओ, अभी कैसे निकल सकती हूँ मैं? देख बहुत घुमा रही है तू मुझे, ये कांड होने से पहले ही भागाना था ना मां से। अपनी अक्कल लगाना बंद करो, अगर मैं अभी घर से भागी ना तो पूरा शक मुझ पे आ जाएगा, समझती क्यों? हाँ अच्छा ठीक है देख लेना। हाँ ठीक है अच्छा। किससे बात कर रही थी? भाई से। मेरे भाई को ना मां जी की मौत का सुन के बहुत बड़ा धक्का लगा है, पर वो अभी कोलकाता में है ना तो आ नहीं सकता। सब मैंने कुछ नहीं किया, वो तो राजन मुझसे लतिका के पहने हुए कपड़े मंगवाना चाहता था इसीलिए मुझसे मिला था, और सब मैंने उसे लतिका के पहने हुए कपड़े ला कर दिए थे बस। लतिका के पहने हुए कपड़े क्यों? सब मुझे नहीं मालूम, उसने मुझे पैसे दिए और मैंने लतिका के कपड़े चुरा कर उसको दिए थे। साहब मैं सच बोल रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती साहब। देखो अगर कुछ भी, राजन गायब हो गया, ये झूठ बोल रही है। कहाँ है राजन? मेरी बेटी अंकल, मेरी बेटी कहाँ है? अंकल अनामिका, तुम लोग अंदर देखो। हेलो अनामिका, तुम लोग हेलो अंकल, मेरी बात सुनो। अंकल आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, अंकल आप एक बैठ के मार, मैं तुझे अपनी नाक नहीं कटवाने दूंगा। नहीं नहीं ये तो छोड़ देता, एक बात आप मार दो, गुस्सा करो। लतिका की माँ शांति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, बॉडी में ड्रग पॉइजन कुछ भी नहीं मिला। इस रिपोर्ट के बेसिस पे इसे भी मर्डर केस नहीं माना जा सकता सर। लतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बिल्कुल ऐसी ही थी, मतलब बेटी की तरह माँ भी मरी। जी हाँ सर, और अब तो मोहल्ले में यह अफवाह उड़ रही है कि लतिका की तरह उसकी माँ ने भी किसी चुड़ैल को देख लिया होगा और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। ये केस जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। मुश्किल तो ये है सर कि आप किस बेसिस पे हम इसे एक मर्डर केस मान सकते हैं। ये भी कम सस्पिशियस नहीं है कि बेटी और माँ दोनों एक ही तरह से मारे गए, जबकि दोनों में से किसी को भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम मान भी लें कि ये मर्डर नहीं है तो राजन क्यों गया? सर मैंने आलोक के परिवार के बारे में सब कुछ पता किया है सर। 3 साल पहले तक वो लोग शहर में रहते थे सर, वो लोग वहां पे एक जॉइंट फैमिली में थे जिसमें आलोक और उसके छोटे भाई शाश्वत का परिवार था। सर आलोक और शाश्वत ने एक बिजनेस शुरू किया था सर। अचानक से आलोक अपने परिवार को लेकर बिजनेस और शहर दोनों छोड़कर गांव में आ गया और वहां आकर खेतीबाड़ी करने लगा। आलोक का अपने भाई के साथ कोई झगड़ा? सर ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि सर अब वो बिजनेस आलोक के छोटे भाई शाश्वत के नाम पर। लेकिन सर एक बात बहुत अजीब, पिछले 1 साल में आलोक के खेतों में खड़ी फसल जला दी गई है सर। उसके खिलाफ आलोक ने कभी भी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की।
आलोक के छोटे भाई के बारे में सब कुछ पता करो और आलोक से भी मिलना होगा। सर खेतों के पास एक लाश मिली। के पेट को बुरी तरह से नोच के फाड़ा गया सर। आसपास काफी जंगली एरिया, हो सकता है किसी जंगली जानवर ने। कोई जानवर नहीं बल्कि हमें भटकाने की चाल भी हो सकती है। यालो के घर में चौथी मौत है, ये कोई बड़ा गेम है। फसल के बीज लेने गया था कौशिक, और अचानक से कुछ नहीं हो रहा है आलोक जी। जो भी हो रहा है पिछले एक डेढ़ साल से हो रहा है। पहले आपका छोटा बेटा गल्लू, फिर आपकी बेटी लतिका, और अब आपकी पत्नी शांति, आपका बड़ा बेटा कौशिक, और आप किसी पे शक भी जाहिर नहीं कर रहे। गम्मू, लतिका और शांति की मौत में तो शक करने जैसा था, क्योंकि वो घर में रहते हुए ही आपकी बेटी लतिका का एक राजन नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, और राजन आपकी पत्नी की मौत के बाद से गायब है। नहीं, मेरी बेटी लतिका का किसी लड़के से? आलोक जी क्यों आके मुंदे बैठे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो आपका मछला बेटा संचित कर रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। और आपका छोटा भाई साशु, उसके साथ तो आपका झगड़ा भी हुआ, उस पर भी शक नहीं है आपको? पहले नहीं था, लेकिन अब ख्याल आ रहा है कि शायद उसने ही कौशिक को, जबकि उसने जालसाजी से मेरा पूरा व्यापार हड़प लिया। आपका बेटा संचित किसकी आत्मा की बात करता है ये तो पता होगा आपको? मुझे नहीं मालूम सर, पता नहीं उसे क्या हो गया। देखिए आलोक जी, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें संचित से हमारे तरीके से उठवाना पड़ेगा। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप बेफिजूल उठा के लाए सर। संचित देख, जो भी पूछना तेरे से सर सच बोलना, नहीं तो ऐसी रास लीला रचेगी तेरे साथ, तेरे हाथ पैर सब टूट जाए। सर मार दो मुझे, एक काम करो सर मार दो मुझे, वैसे भी उस आत्मा ने मुझे छोड़ना नहीं है। कौन आत्मा? कोई नहीं। कौन आत्मा? धीरे सर, वो सुन लेगी सर। सर मुझे ना एक आत्मा दिखती है, उसने मुझसे कहा है अगर मैं ऐसे तैयार होकर नहीं घूमूंगा ना तो वो सब सबको मार देगी सर। पर तू तो ऐसे तैयार होकर बहुत दिनों से घूम रहे हैं, फिर भी एक के बाद एक मर रहे हैं ना तेरे परिवार में लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू ही मार रहा है सब? मैं क्यों मारूंगा सर? मैंने नहीं मारा सर, भूल हो जाती है कभी कभी सर। कैसे भूल? सर जैसे जैसे सर मैं तैयार होने में या अंगूठी पहनना भूल गया, या ये कान का पहनना भूल गया, या सर, लेकिन अब सर मुझे सब याद रहता है सर। मैं अभी सब सेफ है सर, अभी कोई नहीं मरेगा। सर कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसके पेट पर किसी धारदार हथियार से वार करके उसे मारा गया, उसके बाद उसके पेट को फाड़ा गया, उसके पेट में नाखूनों के टुकड़े मिले हैं सर। फॉरेंसिक का मानना है कि वो नाखूनों के टुकड़े किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के, लेकिन लतिका और उसकी माँ का मर्डर हुआ हो ये भी तक कंफर्म नहीं। हमें इस केस के हर पहलू को इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके बाद सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। देखिए ना तो मैंने अपने बड़े भाई आलोक के साथ कोई बुरा किया है, और ना ही उनके परिवार में होने वाली मौतों से मेरा कोई लेना देना है। उस बिजनेस में आलोक का जितना हिस्सा था मैंने उसे दे दिया था, लेकिन वो गाँव वाले मकान पर कब्जा किए हुए थे, इसलिए उस मकान से निकालने के लिए ये आत्मावात्मा का चक्कर रचा तुमने। मैं ऐसा क्यों करूँगा? तेवर बहुत है शाश्वत के, ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है जैसे इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाएगा। पता करो जिस दिन कौशिक का मर्डर हुआ था
ये या इससे जुड़ा कोई आदमी उस एरिया में था क्या? जी सर, लेकिन सर इसमें मुझे एक और एंगल दिखाई दे रहा है। इस कीर्ति का CDR देखे मैंने कि दिव्यांशु नाम के एक लड़के के साथ काफी टच में थी। कौन दिव्यांशु? शादी से पहले कीर्ति के साथ इसका अफेयर चल रहा था और शादी के बाद भी पति के रहते हुए कीर्ति इसके साथ काफी टच में। पापा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलिए कुछ खा लीजिए। जी कीर्ति कहाँ है? उसे बुलाइए, बड़े साहब ने बुलाया। कीर्ति भाभी तो मार्केट गई हुई है। ये कीर्ति अचानक से गायब हो गई है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। और दिव्यांशु? उसका फोन चालू है। उठा उसको, वही बताएगा कि कीर्ति कहाँ गायब है। ओके सर। सर मैं मानता हूँ कि मेरा अफेयर चल रहा था, हम दोनों भागने भी वाले थे, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ सर कि अचानक कीर्ति कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई? क्या तूने उसको गायब कर दिया? नहीं सर, कौशिका मटर भी तुम दोनों ने किया है ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, और कीर्ति का भी मुझे नहीं पता सर कहाँ चली गई वो, कसम से सर मुझे नहीं पता। दिव्यांशु से लेकर कीर्ति के मायके और उनसे जुड़े हर इंसान को पुलिस खंगाल चुकी थी, लेकिन कीर्ति के गायब होने का रहस्य पता ही नहीं चल रहा था। वहीं लतिका के बॉयफ्रेंड राजन के गायब होने की पहेली भी पुलिस को उलझा रही थी। आलोक का भाई शाश्वत भी प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन एक के बाद एक हो रहे इन कत्लों का राज और भी गहरा होता जा रहा था। अफवाहें और भी गर्म होती जा रही थी कि ये कत्ल कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा कर रही थी। प्लीज आइए आइए। सर पापा रात भर रोते रहे, उन्होंने रात को खाना भी नहीं खाया। जब सुबह मैं चाय देने आई तो मैंने देखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पापा जहर खा लेंगे। तो तुम ये क्लियर कर रही हो कि हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति को बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, कोई नहीं बचेगा, हम सबको मार देंगे। सचिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूँ अब हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। पूजा रो मत, रो मत, वो हमें नहीं छोड़ेगी, महात्मा नहीं छोड़ेगी। आनंद बोलो। सर हम लोग राजन को खांडवा में ढूंढ रहे थे, अपने एक खबरी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो पास के गांव में अपने एक दोस्त के घर छुपा हुआ है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो लतिका से प्यार करता था। फिर लतिका के कपड़ों के साथ कौन सी अवस पूरी कर रहा था? वो कपड़े तो मैंने इसलिए हासिल किए थे ताकि लतिका को हासिल कर सकूं, उसने मेरे से ब्रेकअप किया था साहब। फिर एक दिन मैंने इंटरनेट पे वशीकरण विधा के बारे में पढ़ा, उसमें लिखा था कि आप किसी के कपड़ों से उसको वशीभूत कर सकते हो। और वो वशीभूत नहीं हुई, मार दिया उसको और उसके बाद उसके घर वालों को भी? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। ये राजन संजीत से कम अजीब नहीं है, पता करो राजन का किसी तांत्रिक वांत्रिक से कोई चक्कर है। ओके सर। सर सर ये आलू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर खाने से ही हुई है। अब ये जहर उसने खुद खाया या किसी ने उसे जबरदस्ती खिलाया, बस ये कंफर्म नहीं। उस वक्त घर में सिर्फ दो लोग थे, संचित और पूजा। ये काम इन दोनों ने किया होगा या फिर कोई बाहर से आया? अभी तक ये इंक्वायरी में वहाँ किसी संदिग्ध के देखे जाने की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर, पर मैंने संचित के बारे में पता किया। आलोक जब शहर में रहता था तो संचित उनके साथ नहीं रहता था, संचित कानपुर में पढ़ाई कर रहा था, और जब वो गांव में आया तो पूजा के साथ उसकी शादी हो गई। पूजा के परिवार वाले कहाँ हैं? इतना कुछ हो गया, उसके मायके से कोई आया ही नहीं। सर पूजा का परिवार नहीं है, वो अनाथ है, उसने मुझे बताया था। पूजा अनाथ है तो संचित की जिंदगी में कैसे है? इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह सर कि मैंने संचित के बारे में उसके कानपुर के दोस्तों से पता किया था। संचित का कानपुर की रहने वाली एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, अनामिका नाम है उसका, और इन दोनों ने अनामिका के पिता के खिलाफ जाके शादी भी की थी। मतलब पूजा संचित की दूसरी वाइफ है, तो उसकी पहली वाइफ अनामिका कहाँ है? ये तूने अच्छा नहीं किया बेटी, उस लड़के के चक्कर में अपने बाप को। अच्छा नहीं किया बेटी तुमने।
हमें पूजा नाम की लड़की के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए जो आपके इसी अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। ये है पूजा जी। ये पूजा यहीं पली बड़ी है, लेकिन इसकी मौत तो काफी पहले हो गई थी सर। मौत? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूजा पिछले 3 साल से संचित नाम के आदमी की वाइफ बनकर रह रही है। ये कैसे हो सकता है सर? इसकी मौत तो एक एक्सीडेंट में 3 साल पहले हो गई थी। हाँ, प्यार करती थी वो संचित के साथ और उसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया। आपकी बेटी अनामिका है कहाँ? मालूम नहीं, लेकिन जब से वो उस लड़के के साथ भागी है उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गया। तुम कह रहे हो अनामिका 3 साल से गायब है और मैंने अनाथ आश्रम के रिकॉर्ड चेक किए थे, उसके हिसाब से पूजा एक एक्सीडेंट में 3 साल पहले ही मारी गई। तो सर, जिसके साथ संचित का परिवार रह रहा था वो पूजा ही थी या कोई आत्मा? सर, संचित की लाश मिली है। What? सर, संचित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई और सर उसके ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। फॉरेंसिक का कहना है कि वो काफी लंबे टाइम से ड्रग्स ले रहा होगा। ड्रग्स ले रहा होगा या उसको ड्रग्स दी जा रही होगी? अनामिका उसकी जिंदगी में आई, अनामिका कहाँ है अभी तक पता नहीं चला है। और पूजा, पूजा भी एक रहस्य बनी हुई है और कीर्ति की कहानी भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। सर, पूजा के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर है जो अक्सर अनाथ आश्रम वाले एरिया में एक्टिव रहता है। जाहिर सी बात है, कोई आत्मा तो फोन करेगी नहीं। आई एम श्योर ये अनाथ आश्रम वाले कुछ हमसे छिपा रहे हैं। सर, कानपुर पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो बहुत ही चौंकाने वाली है। अनामिका के पिता शिवेंदु की एक और बेटी है पोमिला, जो कनाडा में रहती है, और ये पोमिला कोई और नहीं पूजा ही है। ये पूजा 3 साल पहले कनाडा से इंडिया आई है और अब कानपुर पुलिस से पता चला है कि इसको दोबारा से कनाडा का वीजा मिला और इसके साथ साथ इसके बाप शिवेंदु को भी कनाडा का वीजा मिला। मतलब दोनों बाप बेटी कनाडा भागने की तरह? शिवेंदु का फोन दिल्ली के चाणक्यपुरी में बंद हुआ था। हो सकता है वो वहाँ किसी होटल में रुके हों और दिल्ली एयरपोर्ट से कनाडा के लिए फ्लाइट लेने वाले हो। दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट भेजो और चाणक्यपुरी के हर होटल में इंक्वायरी करो। फास्ट। ओके सर, वर्मा क्विक। सर, दोनों बाप बेटी ब्लू स्टार होटल में रुके थे, थोड़ी देर पहले होटल की कैब से निकले। कैब में जीपीआरएस है सर। क्या तरीका ये? पकड़ो इसे। चलो अंदर। पूजा उर्फ पलोमा दास, तुम्हारे अनाथ आश्रम की डायरेक्टर से मिले हम। बताया उसने कैसे उसने तुम्हें पूजा की पहचान की? क्या लगा तुम्हें तुम्हारी आत्मा वाली बात पर हम विश्वास कर लेंगे? तुम मुझे अंदर करवाना चाहती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, सोच लो, माला माल हो जाओगी। तुम्हारी तरह तुम्हारी बहन अनामिका, वो भी संचित की पत्नी थी, लेकिन एक धोखा दिया था संचित ने उसे। अनामिका से शादी की और फिर उसे छोड़कर चला गया। अनामिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। एक तो तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हो। मेरे चाचा ने पापा का बिजनेस हत्या लिया है, अभी पापा ऑलरेडी टेंशन में, कैसे बताऊं उन्हें कि हमने शादी कर ली है। मैंने तुम्हारे लिए अपने पापा को छोड़ दिया और तुमने अब तक अपने घर पे ये भी नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। तुमने मुझे धोखा दिया। अनामिका ने मुझे कई बार फोन पर बताया था कि संचित उसे धोखा दे रहा था। संचित की वजह से मेरी बहन ने सुसाइड किया था, इसीलिए मैं संचित से बदला लेना चाहती हूँ। और पलोमा ने मुझे कॉल किया और सब कुछ बता दिया और फिर हमने एक प्लान बनाया और प्लान के अकॉर्डिंग मैं इंडिया आई।
पूजा बनकर संचित की लाइफ में एंट्री किया और मैं संचित को धीरे धीरे खाने में ड्रग्स मिलाकर देने लगी। संचित कहता था कि उसको आत्मा दिखाई देती है, कैसे? ये भी मेरा ही आइडिया था। मैंने एक करतब करने वाली लड़की को हायर किया था। करतब करने वाली लड़की? हाँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो फुर्ती से जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और संचित को लगे कि अनामिका की आत्मा है। हाँ। पूजा, पूजा, पूजा यहाँ देखो, ये यहाँ पे खड़ी है एक, यहाँ देखो पूजा, इसे कोई नहीं खड़ी है, पूजा खड़ी है, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूजा कोई नहीं है, तो पूजा खड़ी है यहीं पे, यहाँ कोई नहीं है, देखो खड़ी है पूजा, खड़ी है संचित, ट्रस्ट मी, कोई नहीं है, देखो देखो कोई भी नहीं है, आपको वहम हुआ होगा, कोई नहीं है, देखो कोई नहीं है। पलोमा ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसे अनामिका की आत्मा दिखाई देती है और फिर उसके भाई को खत्म कर दिया। गन्नू मरा तो झूठी अनामिका की आत्मा का साया संचित से कहने लगा कि अगर वो औरत बनकर रहेगा तो वो और उसकी फैमिली मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। हाँ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया के सामने संचित का तमाशा बनाना चाहती थी, उसकी पूरी फैमिली को खत्म करके उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती थी। तुम कौशिक के बाद उसकी बीवी कीर्ति को भी मैंने मार दिया था और मैंने कीर्ति की लाश वहीं गाड़ दी ताकि आप लोग कीर्ति को ढूंढते रहें और आपको लगे कि ये सब कीर्ति ने किया है। आलोक और संचित को भी तुम्हीं ने मारना? तो मैं उन दोनों को भी चाहती थी, पर पहले बाप ने सुसाइड किया फिर बेटे ने। ड्रामा तो काफ़ी किया तुमने, ये सब करने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे पैसों की भी जरूरत पड़ी होगी। उसका भी इंतजाम हो गया था, जीवन राम मिल्डर उस गांव में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लेना चाहता था लेकिन आलोक समेत गांव के सारे लोग अपनी जमीन बेचना ही नहीं चाहते थे। मैंने बिल्डर को यकीन दिलाया कि मैं इस इलाके के सभी लोगों को यकीन दिलाऊंगी कि यहां पर भूत है, सभी अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे। बिल्डर को मेरा प्लान पसंद आया सो उसने मेरा ये प्लान फाइनेंस कर दिया। इस केस की कहानी अपने आप में किसी सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल के प्लॉट से कम नहीं है लेकिन अपराध की योजना बनाने वाला दिमाग भी अक्सर अपनी कल्पना को एक हकीकत की शक्ल देने की कोशिश करता है। पोमिला उर्फ पूजा ने भी एक हद तक ये साबित कर दिया था कि उसने एक परफेक्ट क्राइम का एक परफेक्ट ताना बाना बुना था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, क्राइम नेवर पेज। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।